Good morning, Choti. Morning. Tired? Yeah. चलो कोई नहीं, अपने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करो बेटा, then we have to get ready. Let me put this again. No. This is perfect. Please do not touch it. Drumsticks रह गई हैं. अभी इन आपके drumsticks बेटा, drumsticks. आज ड्रम्स की क्लास है ना, चलो कोट ले जाओ. ठीक है, बाय बेबी, हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू, बाय, लव यू. बाय. हेलो. तो बस अभी सूरी चले गए हैं स्कूल और उनके डैडी उनको छोड़ने भी चले गए हैं और आज मुझे भी बहुत सारे काम हैं, तो बस शुरू करते हैं दिन. अभी अभी एक चाय का कप पिया है, मज़ा आ गया. अदरक वाली चाय, बीच में इलायची, दो तीन दाने मैंने सौंफ के भी डाल दिए थे क्योंकि ठंड शुरू हो गई है, तो सुबह सुबह ना चाय पीने का मन करता है, और वो भी है सौंफ, इलायची, अदरक वाली चाय. एनीवे, मैंने कहा काम शुरू करने से पहले अपने पैरों पे लगा ली जाए थोड़ी क्रीम. तो गाइस, हम लोग ये वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करते हैं, बहुत बहुत अच्छी है और सब तरह की स्किन के लिए बेस्ट है. तो जो लोग सेरावी यूज़ करते होंगे वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे, और ये आपके मेकअप के लिए भी बहुत अच्छी है. यू नो, मेकअप अप्लाई करने से पहले अपना फेस अगर आप इस वाली क्रीम से मॉइस्चराइज करोगे तो यू विल सी द डिफरेंस. ओके, तो मैं अपने पैरों पे भी यही क्रीम लगाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत फुट क्रीम्स ट्राई करी, बहुत सारी, लेकिन मज़ा नहीं आया. लेकिन सेरावी इज़ रियली गुड. इनफैक्ट निविया वाइट भी, वो भी पैरों के लिए बहुत अच्छी है. लेकिन अब सेरावी के बाद मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये ऑल इन वन है, मेकअप के लिए भी यूज़ हो जाती है. मैं और सौरभ भी इसको यूज़ कर लेते हैं, यू नो, तो बस एक क्रीम से बहुत सारे काम हो जाते हैं. और घर में ना मैं सॉक्स पहन के रखती हूँ. एक तो आधे घर में कारपेट है, आधे घर में फ्लोरिंग है, तो अगर आप नंगे पैर घूमोगे, यू नो, क्योंकि हम अपने ऊपर वाले घरों में चप्पल लेकर नहीं जाते हैं, सो वी कीप आवर शूज़ डाउनस्टेयर्स ओनली. इनफैक्ट जो घर में पहनने वाले भी होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं ऊपर ना लेकर जाऊँ, तो इसलिए हम लोग सॉक्स पहन के रखते हैं. तो ऊपर अगर आप कारपेट पे चल रहे हो और आपने सॉक्स पहनी हुई हैं तो आपके पैर ड्राई नहीं होंगे, ये मेरा मानना है. शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है और सॉक्स थोड़ा आपको वार्म भी रखती हैं, यू नो. तो बस सॉक्स पहन के शुरू करते हैं काम. तो आज मैं कुछ कंटेंट क्रिएटिंग का काम कर रही हूँ, तो आपने देखा ही था, मैंने आपको अपने इस पहले ब्लॉग में दिखाया था कि मेरे पास एक सूट आया था. सिया फैशन ने मुझे एक बड़ा प्यारा शरारा वाला सूट भेजा था, ग्रीन कलर का. तो आज मैं उस सूट को स्टाइल करूँगी और आपको दिखाऊँगी. लेकिन उससे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हो कॉफ़ी मशीन, उसका वाटर टैंक आ गया है, तो उसको अनबॉक्स करते हैं. ओह माय गॉड, आई लव माय सॉक्स. मेरे पैर वैसे बहुत बड़े हैं, सो जस्ट इग्नोर द साइज ऑफ माई फीट. इतनी फाइट करी है ना इस वाटर टैंक को लेकर, मैंने नहीं, सौरभ ने. सच में यार, पता, जब ये मशीन्स वगैरह आप खरीदते हो ना, तो कंपनियां बोल रही होती हैं ये प्लान ले लो, वो प्लान ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. यहाँ पर भी होता है ऐसे, यू नो, आप लोग सोच रहे हो कि वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर भी होता है. लेकिन जब एक्चुअल क्लेम करने की बारी आती है ना, कि जी अब हमारा वाटर टैंक टूट गया, हमारी मशीन नेस्प्रेसो केयर के अंदर थी, तब उनका सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. पिछले कुछ 6 वीक से आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा था, तो मैंने उनको बोला आप नई मशीन भी तो बेच रहे होगे ना, उनके भी तो वाटर टैंक हैं. कैसा वाटर टैंक भेजा है, तो वाटर टैंक लगेगा इसके पीछे, देखते हैं फिट होता है कि नहीं. अरे हो गया, फिट हो गया भाई, वाटर टैंक फिट हो गया. और ये रही इस वाटर टैंक की लिड, लिड भी फिक्स हो गई है. पता है ये जो लिड है ना, ये लिड ही 2500 रुपए की है. पर कुछ भी कह लो यार, ये कॉफी मशीन ना बहुत बढ़िया है, सीरियसली वी लव दिस कॉफी मशीन. कॉफी मशीन का काम हो गया,
अब दोबारा से कॉफी मशीन की कॉफी पियेंगे और इंस्टेंट कॉफी को बाय बाय बोलेंगे थोड़े दिनों के लिए। थोड़े दिनों के लिए क्या, बाय बाय बोल देंगे उसको, होपफुली ये मशीन चलती रहे। एनीवे तो मैं जाती हूँ, तैयार होती हूँ और अब मैं आपको नेक्स्ट शॉट में मिलूंगी अपने उसी ग्रीन शरारा सूट में जो मुझे सिया फैशन वालों ने भेजा है। एंड आई होप यू गाइस विल लाइक इट द वे आई एम गोइंग टू स्टाइल इट। तो बस, तो मिलती हूँ आपसे कुछ ही सेकेंड्स में। तो हे गाइस, मैंने पहन लिया है वो सूट जो मुझे सिया फैशन वालों ने भेजा था। सो दिस इज अ शरारा सूट एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। ऑनेस्टली मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में शरारा पहना है। तो जरा हमारे जो कैमरा मैन है, जरा प्लीज जरा दिखा दो यार। हम तो पूरी देखने की कोशिश करेंगे। काफी प्यारी है, ठीक है, उन पे ऐसे फ्लेयर वाला स्टाइल दे रखा है। तो इट्स कॉल्ड फ्लेयर स्लीव्स। मुझे ऐसी स्लीव्स बहुत पसंद है। हालांकि मैंने अभी तक इसके कोई बैंडल्स नहीं पहने हैं, कुछ नहीं पहना हुआ है, बट स्टिल ये इतनी खूबसूरत लग रही है। और आप देख सकते हैं ये जो चुन्नी थी ना इसकी, ये नेट में है, नेट के ऊपर मीनाकारी का काम करा हुआ है। तो हमारे कैमरा मैन दोबारा से आप जरा दिखा दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये चुन्नी बहुत हल्की है, ठीक है, विच इज गुड। ठीक है, सूट शरारा वगैरह में मुझे ऐसा लगता है कि चुन्नियां हल्की होनी चाहिए, क्योंकि शरारा का अपना भी बहुत वेट होता है। तो चुन्नी बहुत हल्की है, तो मैंने इस चुन्नी को ऐसे ड्रेप कर लिया है। आप चाहें तो आप यू नो साइड में भी ले सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे चुन्नी को ड्रेप कर सकते हैं। मैंने चुन्नी को इस तरह से कुछ ड्रेप करा है और या इट लुक्स कूल। और मैंने इसके साथ अपना एक प्यारा सा बैग भी लिया है, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने इसके साथ ऑरेंज कलर के शू पहने बिकॉज इट्स अ ग्रीन कलर का सूट। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है और इट स्टैंड्स लाइक यू नो, अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन पहनोगे ना तो वो आपको स्टैंड आउट करेंगे भीड़ में, मेरा ये मानना है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये पीछे से तुम माशाल्लाह माशाल्लाह करना बंद करो, ठीक है। मुझे एक्चुअली माशाल्लाह बोलने की बहुत आदत है बिकॉज यू गाइस नो आई यूज्ड टू लिव इन दुबई। एनीवे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सूट के बारे में बात करते हैं। तो ये सूट है सिया फैशन से एंड आई रियली लाइक इट। आप देख सकते हो पूरा सूट कुछ ऐसा दिखता है। मेरी चुन्नी ड्रेप हो रखी है आगे, अदरवाइज द फुल सूट लुक्स लाइक दिस एंड इट्स रियली गुड। आई थिंक अगर आप दिवाली के लिए, छोटी दिवाली के लिए, भैया दूज के लिए कोई आउटफिट ढूंढ रहे हैं, सो दिस कैन बी योर आउटफिट, राइट? सो या गो एंड ये उनका इंस्टाग्राम आईडी है, उनका वेबसाइट का एड्रेस, इस सूट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाएं, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, जाएं और सिया फैशन से अपनी शॉपिंग करें बिकॉज दे आर सुपर अफोर्डेबल और उनके कपड़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो या आई होप यू गाइस विल लाइक इट। तो दैट्स हाउ माय लुक इज गाइस। अभी मेरा शूट ना आधा हुआ है, अभी आधा नहीं हुआ है। तो ये रियल लाइफ है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तैयार व्यार होकर मैं जितना शूट कर पाती हूँ कर लेती हूँ, अबीर के आने से पहले, तो मोस्टली मैं दिन में शूट करती हूँ। और फिर अबीर आ जाएगा तो मैं फटाफट से, क्योंकि जब आप ऐसे यू नो एथनिक वेयर वगैरह पहन लेते हो, तो जब आप ऐसे कपड़े पहन लेते हो और मेकअप वेकअप करते हो ना, तो घर में भी बहुत गंद मचता है, ठीक है, मेकअप का तो स्पेशली। तो बस मैंने सारा घर साफ किया है, ठीक है, अभी भी मेरा पोछा जारी है इन कपड़ों में भी। मैं इनको अच्छी तरह से ऐसे यू नो ऊपर टाई करके आराम से प्यार मोहब्बत के साथ यू नो सारा पोचा वोचा मार रही हूँ और अभी का वेट कर रही हूँ बिकॉज एंड आई वॉन्ट टू सी हिज रिएक्शन। क्योंकि जब भी वो मुझे ऐसे तैयार हुआ देखता है ना, बहुत खुश होता है। तो देखते हैं आज उसका क्या रिएक्शन होता है। एनीवे मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म करती हूँ। तो अबीर आ गया, मुझे गाड़ी की आवाज़ आ गई है, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है सर का। हैप्पी दिवाली। व्हाट इज इट दिवाली? इट्स नॉट टुडे, आई वाज जस्ट डूइंग अ शूट। सो आई वाज टेलिंग टू एवरीवन कि देखते हैं कि अभी का क्या रिएक्शन होता है मम्मी को देख के। मम्मी आई नो दिवाली इज नॉट टुडे, आई वाज डूइंग अ शूट,
सो आई थॉट मेरे बीदी का क्या, हाउ आई एम लुकिंग, एम आई लुकिंग गुड? Give it a 10 out of 10. Oh, thank you so much, Abiri. How was the school? Good. Good job. एक पिक्चर खिंचवानी है मुझे, ठीक है, इसलिए मैं ये कपड़े नहीं उतार रही हूँ अभी तक. और सूरी साहब अबीर के साथ लगे हुए हैं, ऊपर से नहला विला रहे हैं, मैं नीचे उसका खाना बना रही हूँ. तो बस यू नो देख लो आप, एक पिक्चर खिंचवाने के लिए मैं अभी तक कपड़ों में हूँ. मुझे यू नो आई वॉन्ट टू टेक अ शावर, आई वॉन्ट टू टेक ऑफ माई मेकअप, लेकिन बस मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है. चलो फटाफट से खाना बनाते हैं. आज मैं अबीर के लिए बना रही हूँ चिकन नूडल्स. तो अभी सूरी के लिए बन रही है चिकन नूडल्स, और मैंने चुपके से थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी डाल दी हैं. गाइस आप लोग देख सकते हो अभी की चिकन नूडल्स रेडी हो गई हैं. आज मेरी अबीरी बहुत खुश है क्योंकि मम्मी ने आज नूडल्स बनाई हैं. हेलो, तो फाइनली आई एम गोइंग टू ओपन, मैं कैमरे में ठीक तरह से आ रही हूँ ना, सो फाइनली आई एम गोइंग टू ओपन माय करवा चौथ का आउटफिट. तो ये भी मुझे द सिया फैशन ने भेजा है और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ इसे खोलने में, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ ऑनलाइन देखा है इस आउटफिट को. और इस पर्टिकुलर आउटफिट के लिए मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती है, इतनी रिक्वेस्ट आती है कि आप प्लीज़ ये एक बार ट्राई करो. तो जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, अभी मैंने अपना आउटफिट यू नो ओपन नहीं करा है, अनबॉक्स नहीं करा है, तो प्लीज़ अभी कमेंट में लिख दो कि मैं किस आउटफिट की बात कर रही हूँ, किस चीज़, कौन से वाले आउटफिट की मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, वो मतलब कि आप लोग चाहते हो कि मैं ट्राई करूँ. यू गाइज वॉन्ट टू सी मी इन दैट पर्टिकुलर ड्रेस, आउटफिट, जो भी कहना कह लो. ठीक है, चलो खोलना शुरू करते हैं इसे. आप लोग लिखो लिखो कॉमेंट में लिखो तब तक. क्या ये सिया फैशन वाले ना पैक बहुत अच्छी तरह से करके भेजते हैं. तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप यूके में रहते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर सम इंडियन एथनिक वेयर, प्लीज इनसे ऑर्डर करो. दे सेंड यू ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, ठीक है. और पैकिंग बहुत अच्छी है गाइस, दिल थाम कर बैठो. मैं करने जा रही हूँ अपना आउटफिट रिवील. पता मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं नीचे बैठ गई हूँ. ओए होए, बस ये है कि अब इस आउटफिट को पहन के मैं ऐसी दिखूं तो मजा आ जाएगा, है ना. बाकी तो ये लड़की बहुत सुंदर है जिसने आउटफिट पहना हुआ है. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो इस करवा चौथ बहन पहनने वाली है साड़ी, ठीक है जी. तो यार ये तो बड़ी खूबसूरत सी साड़ी है, तो मैंने अपने लिए ये वाली साड़ी चूज करी है. सो आई होप इसे पहनकर मैं अच्छी दिखूं. पहले मैं इसे पहन लूँ, यू नो आई एम नॉट गुड एट साड़ीज एट ऑल. आप विश्वास नहीं करोगे, जिन लोगों ने हमारी लव स्टोरी का ब्लॉग देखा है, दे नो दैट कि हमने अपनी शादी बहुत ही बजटेड शादी करी थी. एंड जब कपड़े खरीदने की बारी आई थी, आई जस्ट बॉट टू साड़ीज फॉर मी. एक साड़ी उसमें से मैंने ट्राई करी थी, आई थिंक कुछ 3 से 4 साल पहले करवा चौथ पर ही. तो साड़ियों का शौक तो है, आई लाइक टू वेयर साड़ीज, बट एक तो टाइम नहीं होता है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है. सेकेंडली मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ साड़ी को यू नो ड्रेप करने में. तो बट वेरी एक्साइटेड. तो ये है मेरा करवा चौथ का आउटफिट, एक बार फटाफट से खोल के देख लेते हैं, है ना. बाकी तो मैं आपको इसे स्टाइल करके दिखाऊंगी, लेकिन गाइस और मुझे ना ऐसी ही साड़ी चाहिए थी, मतलब कि ना ओहो साड़ी का वेट ही इतना बढ़िया है ना, सच में मुझे ऐसी हल्की प्यारी सी सिल्क की, थोड़ा गोल्डन काम हो रखा हो, यू नो ऐसी साड़ी चाहिए थी. तो यह है साड़ी का ब्लाउज. ओह दैट्स नाइस, प्रिटी प्रिटी. और यह है साड़ी, ओह माय गॉड वेरी नाइस वेरी नाइस. चलो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, पीछे से मेरा फोन बजी जा रहा है. ओह माय गॉड लुक एट दिस गाइस. ओह माय गॉड ऑनेस्टली आई कांट वेट टू वेयर इट. तो मुझसे तो वेट नहीं हो पा रहा है इस साड़ी को ट्राई करने में,
बाहर चलते हैं एक बार, यू नो, लगा कर देखते हैं अपने ऊपर ऐसे। So tomorrow I'm going to wear a sari on Karva Chauth. So hopefully. ऐसे मेरी फ्रेंड आ रही है, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं उससे ले लूँगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं साड़ी बांधने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ये साड़ी इतनी हल्की है और इतनी दिखने में इतनी, इसका टेक्स्चर इतना अच्छा है कि मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी तो आप कल के ब्लॉग में देखोगे ही। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू द सिया फैशन ये साड़ी भेजने के लिए, एंड आई कांट वेट टू स्टाइल इट। तो ये है मेरा करवा चौथ का आउटफिट गाइज, और मुझे इसकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था सीरियसली आप लोग मुझे साड़ी में देख, लाइक यू नो वो होता है ना, इतने सारे लोग लिख रहे थे कि प्रीति आप प्लीज़ कभी साड़ी ट्राई करो, हम आपको साड़ी में देखना चाहते हैं। एंड आई वाज लाइक कि सीरियसली, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था। एंड देन इवेंचुअली सिया फैशन हैज कॉन्टैक्टेड मी एंड दे सेड व्हाई डोंट यू ट्राई आर वन ऑफ आर साड़ीज, एंड आई वाज लाइक या नेकी और पूछ क्यों नहीं। तो बस कल मैं ट्राई करने वाली हूँ वाली साड़ी, एंड आई होप कि अच्छी लगे। सुरिसा पीछे आ चुके हैं, इन्होंने भी मेरा आउटफिट देख लिया है, बंदा कॉल्स में बिजी है, यहाँ पर त्योहारों की एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो रही, यहाँ पर काम खत्म नहीं हो रहा, बड़ा दिक्कत के मैं बताती हूँ। देखो यूके में कोई फेस्टिवल नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, और हमारे इंडिया में फेस्टिवल की बेशुमार भरमार आई हुई है, तो ना गोरों को समझ ही नहीं आ पा रहा है, गोरे हमसे रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे भाई तुम्हारे कितने फेस्टिवल है, कितना मनाओगे, नवरात्रि मनाया, अष्टमी मनाई, अब करवा चौथ, फिर छोटी दिवाली, धनतेरस, दिवाली, बेचारे ना कंफ्यूज से हो गए हैं। स्कूल जाती हूँ ना, मम्स वगैरह मिलती है, दिवाली में तो मैं छुट्टी ले रखी है, सच में दिवाली में तो छुट्टी ले ली है भाई ने, इसको ना एक्चुअली पैरिस निकलना है दो दिन के अंदर, और कल बंदा करवा चौथ वाले दिन जा रहा है लंदन। मैं लंदन से थाली बना के लेके आऊंगा, थाली तो लंदन से चांद ले आई हूँ, ठीक है, बस भगवान से प्रार्थना करियो कि रोज चांद दिख रहा है आजकल, रोज सोच के देख। हाँ रोज, मतलब आई, मुझे लगा शायद तुम मेरी बात कर रहे हो, सो आई नो हाँ मैं समझ गई, हो गया। सॉरी, कह रहे हैं मतलब है कल मैं भी अबीर को लेने जा रही थी ना स्कूल, तो यार दिन के टाइम चांद निकला हुआ था, और देखना सी यू, तो दिन के टाइम चांद निकला हुआ था, अब देखना कल जब हमें चांद चाहिए होगा तब चांद होगा, नहीं कल नहीं, पता कि परसों ही करवा चौथ है, मैं कल क्यों बोली जा रही हूँ बार। एनीवे अभी इस साड़ी को करते हैं फोल्ड, इसको अच्छी तरह से आयन वायन करके पहनेंगे हम करवा चौथ वाले दिन, और अभी मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग पे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगला ब्लॉग, और मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग पे। बाय द वे ये नेक्स्ट डे हो चुका है, तो जो मेरा वो शूट था वो मैंने कल करा था, मैं बहुत थक गई थी शूट के बाद, और फिर अबीर का खाना वाना बनाना था, तो आई वॉज लाइक I was dead tired. तो बस फोटोज खिंचवाई एंड आई जस्ट रैप्ड अप एवरीथिंग, और अब बस नया दिन है और मैंने अपना आउटफिट रिवील कर दिया है, सो नाउ आई एम गोइंग फॉर करवा चौथ शॉपिंग। तो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग, होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू द चैनल। बाय गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर।